हेलो ऑल, आई एम अंकिता. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता. तो हम मेरे चैनल का ही सबसे फर्स्ट टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ आपका सपोर्ट. तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता. तो मूविंग अहेड, आज हम लोग मेरे चैनल का फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. Balance of payment is a systematic record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world. Balance of payment क्या होता है? बोला गया है एक systematic record होता है और economic transactions record किए जाते हैं इसमें. Economic transactions क्या होते हैं? जो कि money के term में किए जाते हैं या जिनको करने के पीछे एक profit motive होता है, उन्हें economic transactions बोलते हैं. किसके बीच का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जब कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है, उसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. कितने टाइम ड्यूरेशन का रिकॉर्ड किया जाता है? जनरली 1 ईयर. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जब हम किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का करते हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, इन दोनों एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच में जब कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है, तो उसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. जनरली वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है. और एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट जब होता है, तो वो BOP इक्विलिब्रियम होता है. BOP इक्वल तभी होता है जब हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इक्वल हों. नाउ इसी डेफिनेशन को हम लोग फीचर्स बना के अब 1 by 1 पढ़ते हैं. पहला क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे मैंने ऊपर बताया, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से. क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है. कितने टाइम ड्यूरेशन का? 1 ईयर का. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज includes all transactions in goods, services and assets. इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड assets. गुड्स, सर्विसेज एंड assets. गुड्स, विजिबल आइटम क्या होता है? वो ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें हम टच, फील, मेजर कर सकें, वो विजिबल आइटम्स होते हैं. और सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? जिन्हें हम टच, फील, टच ना कर सके और जिनका मूवमेंट जब बॉर्डर्स के अक्रॉस होता है तो हम वो देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो इनविजिबल आइटम्स होते हैं. लाइक शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस एट्सेट्रा. और असेट्स कैसे असेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं? लाइक जब हमने कहीं बाहर कंट्री से कोई लैंड परचेज किया, मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, वो सब जो असेट्स होते हैं वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में. थर्ड पॉइंट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. लाइक ये जो BOP होता है, ये टी शेप अकाउंट होता है. इसमें भी हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट. और अगर कोई चीज़, जैसे हम जानते हैं क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट. तो एक ट्रांजैक्शन यानी कि हमने कोई चीज़ बाहर से परचेज की, तो अगर वो हमारे पास कोई असेट आ रही है तो उसके बदले हम कुछ पैसा तो दे रहे हैं बाहर. यानी कि असेट घर पे आ रही है तो पैसा तो बाहर जा रहा है, तो इसीलिए उसे डेबिट साइड भी नोट किया जाएगा और क्रेडिट साइड भी नोट किया जाएगा. फोर्थ पॉइंट, वही चीज़ बोली गई है कि हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है. नाउ फिफ्थ, इन अकाउंटिंग सेंस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. जैसे मैंने बताया कि डेबिट और क्रेडिट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब इक्वल होता है तो BOP इक्विलिब्रियम में होता है. और बाकी के केस क्या होते हैं? अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो गई पेमेंट से, यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, पैसा ज़्यादा आ गया, और पेमेंट कम हुई है, इंपोर्ट कम हुई है, तो वो सरप्लस BOP हो जाता है. और अगर पेमेंट ज़्यादा होती है रिसिप्ट से, यानी कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया और रिसिप्ट यानी एक्सपोर्ट कम किया, तो वो डेफिसिट BOP हो जाती है. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी, फॉरेन एक्सचेंज बाहर ज़्यादा चला गया, हमारे कंट्री से पैसा बाहर चला गया, कम हो गई हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज, तो वो पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, रिसीट कम हो जाती है, तो वो डेफिसिट BOP कहलाती है. तो ये था हमारे फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. पहला क्या है? करेंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. और करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं वो हम लोग आज इस स्लाइड में पढ़ेंगे.
तो पहला क्या, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर। विजिबल इनविजिबल मैंने बताया, विजिबल जो कि हम लोग फील टच मेजर कर सकें, बॉर्डर्स से जब मूवमेंट होता है तो हम उन्हें देख सकें, वो विजिबल आइटम्स होता है, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये सब। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक इनविजिबल आइटम्स, लाइक जो हम लोग सर्विसेज लेते हैं, लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टूरिज्म, ये सब जो होता है इनविजिबल आइटम, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन दोनों का जो होता है वो हम लोग करंट अकाउंट में लिखते हैं, उसका डेबिट और क्रेडिट। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, यूनिलेटरल क्या होता है, एक तरफा, यूनि मतलब वन, यूनिलेटरल एक तरफा जो ट्रांजैक्शन होता है, लाइक कभी हमें, हमने किसी से मदद ली, किसी कंट्री से हमने किसी कंट्री की मदद की, तो वो जो ट्रांसफ़र होता है, या फिर हमें कोई बाहर से गिफ्ट्स भेज रहा है, या हमने किसी को गिफ्ट्स भेजा, कोई डोनेशन भेजा या डोनेशन लिया, या फिर कोई बाहर हमारा NRI रह रहा है, लाइक हमारा रिलेटिव रह रहा है, वो हमें रेमिटेंसेस भेजता है, हेल्प भेजता है, तो वो जो एक तरफा ट्रांजैक्शन होता है, जो मनी मोटिव से नहीं किया जाता, सिर्फ एक तरफा होता है, जिसकी लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है बाद में कि हमें उसे चुकाना है, वो हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो करंट अकाउंट में हमारे तीन पॉइंट्स आते हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल। और ये जो सिर्फ विजिबल आइटम्स का जो कॉलम होता है, जो भी चीज़ें हम विजिबल होती हैं, जो गुड्स में ट्रेडिंग होती है, उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो कि करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक सिर्फ पार्ट है, छोटा सा, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल आइटम्स के सिर्फ ट्रांजेक्शन्स नोट किए जाते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इम्पोर्ट, लेकिन करंट अकाउंट वो उसमें आप विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल सब नोट करते हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का सिर्फ एक पार्ट है। नाउ मूविंग अहेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और बोरोइंग्स और रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स। अब ये कैसे कैसे नोट होते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री का असेट परचेज करता है और उस पर कंट्रोल भी रखता है, यानी कि हमने उसका हमने परचेज किया असेट किसी कंट्री से और हम उसको मैनेज भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, उस पर अपना पूरा पावर रखे हुए हैं, तो वो FDI कहलाती है। हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमें उसके मैनेजमेंट, उसके कंट्रोल से भी मतलब है, तो वो FDI कहलाती है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ा इसमें अलग है, इसमें कंट्रोल नहीं होता है, इसमें हम लोग परचेज तो कर रहे हैं असेट, लेकिन हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है कि हमें वहाँ से सिर्फ इनकम हो, तो वहाँ उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हम लोग लाइक किसी कंट्री में किसी चीज़ का कोई एक शेयर खरीदे, किसी कंपनी का, मान लीजिए हमने कोई शेयर्स खरीदा, तो हम उस पर अपना पूरा कंट्रोल नहीं दे रहे, हम उसको मैनेज भी नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ पैसा लगा दिया है दूसरे कंट्री में कि किसी कंपनी में या किसी चीज़ पे, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो इसका जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं। नाउ लोन्स एंड बोरोविंग्स। मान लीजिए चाहे वो कमर्शियल बोरोविंग हो चाहे वो एक्सटर्नल असिस्टेंस के रूप में हो, वो लोग हम सब कहाँ नोट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। कमर्शियल बोरोविंग लाइक हमें अपने यहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ की अचानक से ज़रूरत पड़ गई, लाइक हमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी खरीदनी है, डिफेंस में खर्च करना है और हमें लोन चाहिए, तो वो जो लोन हम लेते हैं दूसरी कंट्री से, हम कम या फिर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट एरिया के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें डेवलप करना है वो एरिया, तो उसके लिए जो हम लोग बोरोविंग लेते हैं बाहर से, तो एक बाद में वो तो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है, हमें उसे चुकाना है, लेकिन एक बार के लिए तो हमारे पास पैसा आता है, तो वो जो लोन्स एंड बोरोविंग्स है ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, वो भी पॉजिटिव आइटम में, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसी तरह एक्सटर्नल असिस्टेंस, किसी हेल्प के रूप में हमें पैसा मिल रहा है बाहर से, तो उसे हम पॉजिटिव आइटम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नाउ चेंज इन गोल्ड रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज विद RBI। RBI किसी, जैसे हमारे कंट्री में RBI सेंट्रल बैंक है जो कि रिजर्व्स रखता है गोल्ड के फॉर्म में और स्टॉक के फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में, तो वो जो गोल्ड और रिजर्व में अगर कुछ भी इम्बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो आते हैं आउटफ्लो, चाहे वो जाते हैं आउटफ्लो के रूप में, चाहे वो इनफ्लो के रूप में अंदर आते हैं कंट्री में,
तो वो जितने भी चेंजेस होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में नोट किए जाते हैं। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, मैंने बताया। और अगर सिर्फ विजिबल आइटम्स में डील हो रहा है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का सिर्फ एक पार्ट है। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग्स एंड चेंज इन गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज विद RBI। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उस पर कंट्रोल भी रखते हैं, प्लस कंट्रोल, लाइक किसी कंट्री में हम लोग ने कोई फर्म खरीदी तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंट्री से परचेज की तो एसेट तो परचेज की लेकिन कंट्रोल नहीं रख रहे, ना कोई मैनेजमेंट है ना कोई कंट्रोल रखना चाहते हैं, सिर्फ हमें उससे प्रॉफिट से मतलब है, लाइक कोई शेयर्स खरीद लिया छोटा मोटा, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नाउ लोन्स एंड बोरोविंग्स, हमने जब बाहर से पैसा लिया किसी भी रूप में, चाहे वो डेवलपमेंट करने के लिए लिया हो, डिफेंस के लिए लिया हो, चाहे किसी हेल्प के रूप में लिया हो, तो वो एक पॉजिटिव आइटम नोट करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नाउ लास्ट इज चेंज इन गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो RBI के पास पड़ी होती है, एक रिजर्व होता है जो किसी बुरे वक्त के लिए रखा होता है या फिर ज़रूरत पड़ने के टाइम के लिए रखा जाता है। उसमें अगर कोई इम्बैलेंस आता है, अगर उसमें आउटफ्लो या इनफ्लो होता है, तो उस चीज़ को भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं। आउटफ्लो होता है तो डेबिट साइड नोट करेंगे, इनफ्लो होता है तो क्रेडिट साइड नोट करेंगे। तो ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ टॉपिक्स जो कि हमने कवर किए। अब नेक्स्ट लेसन में अपलोड करूँगी तो उसमें बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।